मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी के जाने से जदयू को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि खुद का नुकसान करेगा। उपेंद्र कुशवाहा के बयानबाजी को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी पर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से प्रचार करने का आरोप लगाया है। समझाते लोग एग्री कर लिया था और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक भाई, ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है? तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा, तब जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी, अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए, हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा आई, तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए, ये बयानबाजी भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही, कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ ना रहे हैं, सबका प्रचार होता है, जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहाँ से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। आपको भाई, आप हम लोगों के अध्यक्ष ने तो बेचारे ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक समस्या सर, यहां के पानी को लेकर सर, जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मालूम है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है पार्टी की, जरा बताइए तो, पिछली बार से भी ज्यादा सदस्यता अभियान में लोग शामिल हुआ, इसलिए सब कोई बात नहीं है। अब हम लोग इधर आ गए तो सब साथी था भाई, हम इधर आ गए एक साथ, इधर हो गए तो उसमें साथी था, ऐसा क्या कारण रहा है, क्या हो गया रहे हैं सर, वही अरे रुको भाई, पार्टी पे हमला किए जा रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है, एक बार चिंता मत करिए। हमारे पार्टी को अगर एक बार किसी ने नुकसान किया, जिसके साथ हम आए 17 में दोबारा, और 19 में उनको चुनाव लड़ना था, तब तो ठीक है पार्लियामेंट, उसके बाद जब हम लोगों के लोगों को हमने कहा कि भाई कम से कम 3-4 को तो दीजिएगा ना, तो एक एक कह रहे थे, तो हमने कहा नहीं। अब उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी अपना लगे, तो हम लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ कैसा अभियान चलते रहा, हम लोग उनको सपोर्ट किए, तो ये सब कहीं आज तक हुआ है, कल होके फिर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, कुछ नहीं हम लोग, लेकिन अगर कोई आता है आप फिर जाता है जाओ, अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं, रहिएगा काम करिएगा ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान, देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।